हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एज यू नो कि फेस्टिवल सीजन आ रहे हैं और बहुत सारी शॉपिंग करनी है। वो अलग बात है, इस साल उतनी एक्साइटमेंट नहीं है कोरोना को लेकर, बट स्टिल फेस्टिवल है यार, शॉपिंग तो बनता है। सो मैंने कुछ चीज़ें खरीदी है बेबी के लिए और अच्छे डिस्काउंट पर खरीदी हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया है। सो जो पहला प्रोडक्ट है वो है ये बूट, विंटर बूट, और ये मैंने H&M से लिया है और साइज है 16-17। यू कैन सी दिस, वन सेकेंड। सो साइज है इसका ऑलमोस्ट 16-17, मुझे पता नहीं है, बट ऑलमोस्ट 17 ये साइज है। और ये बहुत ही कंफर्टेबल है, ये पीछे ऐसे एंटी स्लिपरी टाइप बने हुए हैं जिससे बेबी स्लिप नहीं हो, और अंदर और ऐसे इसे आप टाइप कर सकते हो, और अंदर भी बहुत कंफर्टेबल है, बहुत कोजी सा है। ये मुझे बहुत पसंद आया था एंड ये मुझे बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मिला है। आई गेस इसका प्राइस 700 समथिंग था एंड ये मुझे 400 में मिल गए थे। सो ये मुझे बहुत पसंद आया, बट या बट इसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि इसमें साइज इशू था, मुझे समझ नहीं आ रहा था साइज, और इसमें रिटर्न आप नहीं कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा छोटा है, बट या इट्स ओके, मतलब ये 2 महीने तो पहन ही सकता है। तो दिस इज़ वेरी कोजी, दिस इज़ वेरी कम्फर्ट। सो जो सेकेंड आइटम है वो भी है एक प्यारा सा क्यूट सा बूट, ये भी मैंने H&M से लिया है और ये भी बहुत क्यूट है एंड ये मुझे 300 में मुझे मिला था और ये मुझे बहुत क्यूट लगा। यू कैन सी दिस, और ये भी बहुत कंफर्टेबल है। ये पीछे से आप इसे ऐसे ओपन करो और अंदर आप देख सकते हो कॉटन है, बहुत ही कोजी सा, बहुत ही बेबी के स्किन के लिए बहुत कंफर्टेबल है। ये मुझे बहुत पसंद आया। तो ये सेकेंड है और ये भी मुझे 280-300 के अराउंड पड़ा था। उसके बाद गाइस जो आइटम है वो है गैप का रॉक, ये बेबी रॉक। ये मुझे पड़ा था, इसकी प्राइस है 800 और ये मुझे ऑलमोस्ट 20% डिस्काउंट में मिला था। ये मैंने मिंत्रा से लिया है, मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये एज है 12-18, क्योंकि अभी मैं थोड़ा बड़ा बड़ा साइज ही देख रही हूँ, क्योंकि विंटर आ रहा है, विंटर में ऑब्वियसली आपको स्वेटर जैकेट अंदर इनर ये सब डाल के बेबी को करना होगा, तो मैंने ये थोड़ा बिग साइज ही लिया। सो ये गैप का है और ये मुझे बहुत पसंद आया। कपड़ा बहुत ही कंफर्टेबल है, जिसमें पैसे लगते हैं वो कंफर्टेबल तो होते हैं यार, तो ये मुझे बहुत पसंद आया। उसके बाद मैंने ये भी गैप का मिंत्रा से ही लिया है, ये साइज़ है 18-24 मंथ्स, ये भी बहुत प्यारा है। इसकी भी प्राइस 800 समथिंग है और मुझे 20% ऑफ में मिला, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये ग्रे कलर में है, कपड़ा बहुत कंफर्टेबल है। उसके बाद गाइस मैंने ये लिया है, ये भी गैप का है, ये स्लीवलेस है और ये थोड़ा छोटा साइज है, बट इसमें प्यारे प्यारे एलिफेंट, जिराफ, डायनासोर, टाइगर बने हुए हैं, ये बहुत ही क्यूट है। और ये मैंने 0-3 मंथ्स होने के लिए लिया था, बट ये 3 मंथ से थोड़ा बड़ा साइज है। एक्चुअली ये बेबी के वेट पे डिपेंड करता है, बट ये मुझे थोड़ा बड़ा लगा, बट दिस इज़ वेरी नाइस। और हाँ, कपड़ा वो बाकी कपड़े से उतना कम्फर्टेबल नहीं है, बट या इट्स नाइस। और ये भी इसका भी प्राइस ऑलमोस्ट इसका प्राइस एक्चुअली 1500 था, ये बहुत कॉस्टली था और इसमें कोई डिस्काउंट नहीं था। सो दिस इज़ द रोम्पो, और ये जैसे यहाँ पे टिक टैक बटन देते हैं वैसा ये बटन दिया है यहाँ पे इन लोगों ने, ये भी कंफर्टेबल है। और उसके बाद मैंने ये एक जैकेट लिया है, ये H&M का जैकेट है और ये 999 है इसकी प्राइस, और ये मुझे 50% ऑफ में मिला था। उस टाइम पे H&M में एक्चुअली मिंत्रा पे डिस्काउंट चल रहा था, तो मैंने वो उस टाइम पे लिया था और ये मुझे 50% ऑफ में मिला था, या बाई टू एंड गेट 50% ऑफ, कुछ ऐसे ऑफर थे उसमें मुझे मिला था। तो ये मुझे बहुत कंफर्टेबल लगा, नॉर्मल आप जो हल्की फुल्की ठंड होती है उसमें आप इसे पहना सकते हो, बेबी को अंदर इनर डाल के पहना सकते हो, तो मुझे पसंद आया। सो या ये मेरे अब तक की हॉल थी, होप यू लाइक इट, और मैं सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, डोंट चेक इट आउट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइज, बाय।